ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। पोस्ट नेम सफाई वाला, JBT टीचर, जूनियर क्लर्क आया एंड अदर पोस्ट, जिनकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 16 पोस्ट है, यानी कि इन सभी पोस्ट को मिलाकर के जो वैकेंसी निकाली गई है वो 16 है। एडवर्टाइजमेंट डेट 5 मार्च 2019 है। दोस्तों, वैसे तो ये भर्ती बहुत पुरानी रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जो फॉर्म भरने का टाइम है वो बहुत है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 18 मार्च 2019 है, एप्लीकेशन लास्ट डेट 11 मई 2019 है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 11 मई 2019 है, तो आपके पास अभी एक महीने से भी ज़्यादा है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। कैटेगरी ऑफ जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन CB डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग यहां पर होगी, जो आपको जॉब लोकेशन में जानकारी दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट cbdalhauji.org.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको पोस्ट वाइज बताता हूं कि किस पोस्ट के लिए आपसे एग्जैक्टली कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जूनियर क्लर्क पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर कोई और योग्यता, और साथ ही मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि आपको जो इंग्लिश टाइपिंग होती है वो आनी चाहिए, जिसमें कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपको या तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आने चाहिए या फिर 25 वर्ड यानी कि 25 वर्ड इन हिंदी में आने चाहिए, जो कि कंप्यूटर के ऊपर हो। मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ MS वर्ड एंड एक्सेल ऑन कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिक्रूटिंग अथॉरिटी, और साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसमें कि आपको MS वर्ड एंड एक्सेल का आना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12वीं पास की योग्यता होनी चाहिए, और साथ ही आपको फिजिकल स्टैंडर्ड से भी गुजरना होगा, जिसमें कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, और हाइट इसमें वुमेन के लिए जो रखी गई 150 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 74 है और विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि बिना फुलाए और फुला करके 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वुमेन के लिए भी चेस्ट की सीमा रखी गई है। वैसे जो मैं ज़्यादातर भर्ती की वीडियो आपको दे देता हूँ, यानी कि जानकारी देता हूँ, उसमें वुमेन के लिए चेस्ट की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कि उनको इसके लिए कोई जानकारी नहीं देनी होती है। दोस्तों, अगली पोस्ट है आया की, यानी कि आया की, इसमें आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी गई है, और सफाई वाला पोस्ट पर भी आवेदन करने के लिए सिर्फ आपके पास 8वीं पास की योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई योग्यता अगर नहीं है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। मजदूर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी गई है। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में वो लोग इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस के रूप में देने होंगे। SC ST EX सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्री में आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको
पोस्ट वाइज बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए आपका कौन सा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सफाई वाला, बिस्टी, मजदूर, फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट पर आपका रिटन टेस्ट एंड पीटी राउंड होगा, यानी कि आपको एग्जाम देना होगा और आपका फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट होगा। जेबीटी टीचर आया पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका सिर्फ ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। और जूनियर क्लर्क पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट ऑन टाइपिंग एमएस वर्ड एंड एक्सेल, यानी कि ये पर आपका सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जूनियर क्लर्क पोस्ट का। अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जूनियर क्लर्क पोस्ट पर आपको 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड पर भी आपको सेम सैलरी दी जाएगी। आया पोस्ट पर आपको 4,900 रुपये से लेकर 10,680 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। सफाई वाला पर भी आपको यही सेम सैलरी दी जाएगी। मजदूर पोस्ट के लिए भी आपको सेम सैलरी दी जाएगी। जेबीटी टीचर के लिए आपको 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। जूनियर क्लर्क के लिए एक पद है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी एक पद है, आया के लिए भी एक पद है, सफाई वाला के लिए 8 पद है, बिस्टी के लिए एक पद है, मजदूर के लिए भी एक पद है, जेबीटी टीचर के लिए 3 पद निकाले गए हैं, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 16 पद। अब मैं आपको दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या उसको रीड करना है तो डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं और साथ ही साथ आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी दे रहा हूं, जिसके माध्यम से डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए फॉर्म भरने में तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। और दोस्तों साथ ही मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक झलक इस वीडियो के अंदर भी दिखाने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि छावनी बोर्ड डलहौजी जिला चंबा हिमाचल प्रदेश की तरफ से रिलीज किया गया। आप यहां पर सभी प्रकार की जानकारी देख सकते हो और जान सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं और किस कैटेगरी में वो पद निकाला गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में है, आप इसकी जानकारी को रीड कर सकते हो। यहां पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हो और जान सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपसे कौन सी योग्यता मांगी गई है। इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई करने से पहले आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर करें और रीड करने के बाद आपके जो आपकी कुछ सवाल होते हैं भर्ती की जानकारी देखने के बाद, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर नोटिफिकेशन रीड करने के बाद भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सुझाव है इस भर्ती से जुड़ा हुआ है तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।